कितने? तो 200 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, 200 का क्या होगा? आए सर, सर इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए काफी है बजटेड पीएनएल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? बजटेड पीएनएल बनाने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत है। आए सर, जरा बजटेड पीएनएल बनाते हैं सर। बजटेड प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? बजटेड प्रॉफिट। सेल्स कितनी सर? कितनी रुपीज में मिल रही है? देख के बता दो। 25 है। कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट सर, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए वेरिएबल कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो पहले सर वेरिएबल कॉस्ट देख लें हम। सर वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है डायरेक्ट मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड। सर गिवन है कितना है? 9, 3.6 एंड 4 पॉइंट, टोटल 17 हो गया। ये 4 और 8 और 9, 17। सर 17 का मेरे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। मगर सर ये सारा का सारा बिका, 9,800 का बजट था बेचने का, आपने बेचे भी 9,800 है, बनाए कितने? 10,000। तो सर ये 17 जो लगा है 10,000 यूनिट्स पे लगा है। किस पे लगा है? 10,000 यूनिट्स पे लगा है। तो सर मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर? आपने कहा सर सर आपने कहा 17 मिलियन लगे 10,000 बनाने में, और इसमें से कितने यूनिट्स है? 200 है जो क्लोजिंग में पड़े हैं। कितना है? 0.3। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 16.64। नहीं, 160 बता तो क्या कह रहा है? 16.66 होगी। सॉरी सर, बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 8.3। बताओ मेरा बच्चा फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर फिक्स कॉस्ट है 3.8। कितनी? तो बताओ बजटेड प्रॉफिट कितना है? हाँ, 4.5। डन हो गया। एक्चुअल देखते हैं सर, एक्चुअल क्या हुआ? क्या देखते हैं? एक्चुअल देखते हैं सर। पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, कार्ड बना के इनका क्रियाक्रम कर देंगे। सही है सर? या कार्ड बना ले पहले, पहले वो बनाए थे फिर कार्ड बना लेते, ताकि उधर से अमाउंट छूट छूट के वापस आ जाएगी। सही है सर? एक्चुअल सर, एक्चुअल में कह रहा है ना सर, एक्चुअल के लिए पढ़ते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ 2015 वाज 12,000 यूनिट्स। कितनी प्रोडक्शन हुई है? 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। तो याद रखना, नीचे जो भी कॉस्ट आएगी वो 12,000 की प्रोडक्शन। कितनी प्रोडक्शन है? तुम जो स्टैंडर्ड के हिसाब से फ्लेक्स करके भी लाओगे, किस पे लाओगे? 12,000। किस पे लाओगे? ये 12,000 के लिए क्या कॉस्ट लगनी चाहिए थी और तुमने कितनी कॉस्ट इंकर की है? वेयर एज एसी अर्न रेवेन्यू रुपी 30 मिलियन बाय रुपी बाय सेलिंग 11,000 यूनिट्स ऑफ बेला। बिके कितने? मतलब एक्चुअल में 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। कितने का? और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यू ऑन स्टैंडर्ड कॉस्ट। जब वेरिएंसेस का सवाल आ जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू होगा। हमेशा किस पे होगा? स्टैंडर्ड पे। एक्चुअल पे नहीं। समझ आ गई ये बात सर? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ। हाँ करते हैं सर। सेल्स कितने? 11,000 यूनिट। मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना मिलियन है? 30 मिलियन। कितना है?
30 मिनट सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,000, मगर सर जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही होगी अब वो किस पे लग रही है? 12,000 यूनिट्स पे। किस पे? जैसे यहां पर वेरिएबल कॉस्ट किस पे लगी थी? बिके कितने थे? 12,000। आए सर देखते हैं सर 12,000 कैसे। सर कह रहा है 5,700 के जो मटेरियल वाज इशूड टू प्रोडक्शन, वेयरहाउस से कितना निकल गया है? 5,700 रॉ मटेरियल आर वैल्यूड यूजिंग फीफो मेथड। फीफो का मतलब जो पहले मटेरियल रैक पे पड़ा होगा वो उठा के दिया जाएगा, बाकी बाद में दिया जाएगा। तो सर अदर डिटेल रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल यूज फॉर बिल आर एज फॉलो। सर ओपनिंग में 3,000 केजी पड़ा हुआ है 5.7 मिलियन का, मतलब 5,700 केजी के लिए ये पूरा 3,000 उठा के दिया गया होगा, बाकी 2,700 यहां से दिया गया होगा। सही है? तो मैं एक्चुअल कॉस्ट देखूं डायरेक्ट मटेरियल की, तो सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं नीचे कर ले। हाँ सही है ना, वर्किंग्स सर डायरेक्ट मटेरियल सर 3,000 केजी कहां से कितने का था? वो कितनी अमाउंट थी? 5.7 मिलियन। कितना? 5.7 ना सर, ये ओपनिंग में से उठा के ले आया, बाकी मुझे सर टोटल कितना यूज हुआ है? तो सर 2,700 मैं दूसरे रैक से लेकर आऊंगा, मतलब सर दूसरे रैक पे मुझे अमाउंट नहीं पता, मतलब सर दूसरे रैक का मुझे ये जरूर पता है कि सर वो 26.25 का टोटल है। क्या है? डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स का? 15,000 केजी का। कितने केजी का? तो रेट आ जाएगा, जरा उस रेट को मल्टीप्लाई कर दो 2,700 यूनिट से, 2,700 केजी से कितना आएगा? कितना? 4. सर कितना हुआ टोटल मटेरियल? एक्चुअल मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ? 5 × 4 = 10.425। हाँ सर, सर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया कितना? 10.425। डन है ये सर। फिर टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर एसी इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10%। वेजेस कितनी हो गई? अबव द स्टैंडर्ड रेट, अबव द अफेक्टिव 1 December बता, दिस इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी बाय 5% एज कंपेयर टू बजट। अब सर लेबर के लिए थोड़ा सा मुझे बजट से पर यूनिट डेटा निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पर यूनिट डेटा निकालना पड़ेगा। आए सर देखते हैं जरा बजट के हिसाब से क्या होता है। सर लेबर जो है, अगर मैं बात करूं सर ऊपर की अमाउंट कितनी थी लेबर की? 3.6 मिलियन की। कितनी सर? 3.6 मिलियन की अगर उनकी अमाउंट थी सर, कितने घंटे कुछ लिखे हुए थे? सर मॉन्शन थे हमारे पास 24,000 घंटे। कितने? या इसको मैं थोड़ा एग्जैक्ट अमाउंट में कर रहा हूं, सही है ना, ताकि क्या हो जाए, सॉरी 3.6 मिलियन है ना, डिवाइड बाय कितने घंटे बताओ? पर रेट कितना था? कितना? 150 का रेट था। क्या था? ₹150। सर आपके 24,000 घंटे लगे 10,000 यूनिट बनाने में, तो हर एक यूनिट कितने में बना? 1.165 या 2.4 नहीं आ जाएगा? यही सोच रहा हूं। 2.4 आवर्स। कितना?
सर इस दफा ये सब पर यूनिट था, क्या था तेरा मल्टीप्लाई करके बताओ पर यूनिट पे कितना लगा, 150 × 2.4 श्री सर तुमने वेज रेट बढ़ा दिया 10% से, क्या कर दिया, जिसके अंदर तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ गई और वो हो गई कितनी 5%, 5% है, जरा बताओ कितना आया 150 × 1.1 165 और 2.4 × 95% 2.4 का 0.4 0.12 तो 2.28 हाँ दिमाग सही चल रहा है मेरा 2.28 सर कितना पर यूनिट आया, कितना 376.2 कितने यूनिट बनाए हमने, मिलियन में बता देना, बजटेड में फ्लेक्स क्यों नहीं किया क्योंकि बेटा मेरे पास सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस और वो वाला वेरिएंस है, अब अरे अब मेरे पास सेल्स वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस है तो मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा ना मैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी में शामिल है, क्या है 4.4 तो 4.51 मिलियन हाँ 4.514 डायरेक्ट लेबर सर वेरिएबल ओवरहेड्स सर उसका तो कुछ भी नहीं लिखा, कह रहा है 2100 मशीन आवर्स और वर्क कितना 2100 घंटे काम हुए, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आ रहे हैं अंडर डेप्रिसिएशन अमाउंटेड रुपी 1.6 मिलियन तो फिक्स्ड है, सर इसने ओवरहेड्स की बात करा टोटल, क्या कर रहा है वेरिएबल ओवरहेड की बात नहीं कर रहा, डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स सर डीएल वापस बता दें, बेटा देखो उसने हमसे कहा कि डायरेक्ट लेबर जो है हमारे लास्ट ईयर की जो बजटेड थी उससे हमने क्या किया प्रोडक्शन वेजेस 10% बढ़ा दी अबव द स्टैंडर्ड रेट, मैंने कहा स्टैंडर्ड रेट कहां से लाऊं, मैंने कहा सिंपल है 3.6 मिलियन का ये बजट है ना 24,000 घंटों का, तो 3.6 मिलियन डिवाइड बाय 24,000 घंटे करो तो आपके पास आ गया 150 रुपए पर घंटा, कितना आ गया उसको मैंने डिवाइड करवाया तो कितना आ गया 150 रुपीज पर आवर, सर इससे का इससे 10% बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा आपने 10% ज्यादा किए, एक्चुअल में क्या हुए स्टैंडर्ड रेट से 10% ज्यादा है, तो आपने कहा सर 165 रुपए का अब हमने घंटा खरीदा, कितने का 165 रुपए का, मैं कहा दूसरा क्या हुआ, कहता है यार इस प्राइस को बढ़ाने की वजह से लेबर एफिशिएंट हो गया, कितना 5% लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 10% नहीं है, अगर यहां पे वर्ड लिखा होता लेबर एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड बाय 5% तो मैं इसको डिवाइड करता 1.05 से अपने वो रेट लेके आता, सही है आपके पास क्या करता मैं 2.4 को डिवाइड करवाता 1.05 से, किससे अगर क्या होता लेबर एफिशिएंसी हैव इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज बाय का वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी बाय 5% एफिशिएंट हो गया 5% क्या हो गया एफिशिएंट हो गया 5% तो इंक्रीज बाय का होता था ऑलरेडी एफिशिएंट था मजीद एफिशिएंट हो गया, यहाँ पर एफिशिएंट नहीं था पैसे बढ़ाए उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई कितना 5% इससे मैं क्या करूंगा कि सर मेरे पास पहले सर ये 24,000 घंटे लगाता था 10,000 यूनिट बनाने में कितने तो हर एक यूनिट बनाता था कितने घंटे में 2.4 आवर्स अब क्या करेगा एफिशिएंट होता 95% में टाइम में काम कर देगा तो ये आ गया तुम्हारा 2.18 कितना आ गया 2. हाँ तो वही लिखा हुआ है तो मैंने कहा बेटा 2.28 उसको मिलने क्या 165 रुपए और एक मिनट कितने घंटे बना के दे रहा है 2.28 तो हर घंटे के हिसाब से हर एक मिनट के साथ 376.2 और एक्चुअल में आप कितने बना रहे हो अभी 12,000 तो आपके पास आंसर आ गया 4.145 जो भी है बेटा आ रहे अब मेरे पास सेल्स का वॉल्यूम एंड वो वाला वेरिएंस है प्राइस का वेरिएंस है तो जो बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट ला रहा हूंगा ना तो एक काम करना घर पे एक्सेल पे समझ अबे यार क्या 4. सही है एक काम करना घर पे तुम लोग वॉल्यूम का वेरिएंस और सेल्स का प्राइस का वेरिएंस खा जाना क्या करना
इसको यूज मत करना। और तुम क्या करना, बजटेड प्रॉफिट निकालना एज पर फ्लैक्स। क्या निकालना? बजटेड प्रॉफिट का निकालना। फ्लैक्स का क्या मतलब हुआ? फ्लैक्स का क्या मतलब हुआ? तुमने सेल्स भी लेनी है 11,800 और तुमने प्रोडक्शन भी क्या लेनी है 12,000। कितनी लेनी है? तुमने सेल्स भी लेनी किसकी 11,800 की और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या लेनी है 12,000 की। क्या लेनी है? और 200 का क्लोजिंग स्टॉक अपना कितने का, सॉरी कितना था, 11,000 और 12,000 था ना, 11,000-12,000 था ना। एक्चुअल में कितने यूनिट बिके? 11,000। तुम कहते कि स्टैंडर्ड भी अगर 11,000 का होता तो मेरा सेल्स प्राइस कितनी आती, सेल्स कितनी आती? 30 मिलियन मत लेना फिर। अरे 30 मिलियन फिर मत लेना। क्या लेना? स्टैंडर्ड प्राइस निकालना। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकलेगी? 25 मिलियन को डिवाइड करना 9,800 से, आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तुम क्या करना, इसको यूज करके खाली फ्लैक्स करके स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस निकाल लेना। तुम वेरिएबल कॉस्ट भी 12,000 यूनिट की निकालना। किसकी निकालना? तो उसका जो प्रॉफिट है ना उसको कंपेयर करवाना, जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको क्या करना, कंपेयर करवाना विद दी एक्चुअल प्रॉफिट। तो तुम्हारा वेरियंस जो टाई होगा ना वो विदाउट सेल्स वेरियंसेस होगा। बच्चा कंफ्यूज क्यों हो रहा है? बीच में कुछ सालों के अंदर आपके पास कोर्स के अंदर प्राइस एंड वॉल्यूम वेरियंस, प्राइस एंड वॉल्यूम वेरियंस, तो आईकैप भी क्या करता था, फ्लैक्स करता था। क्या करता था? हम लोग फ्लैक्स करते थे। क्या करते थे? क्योंकि हमारे पास विदाउट फ्लैक्स, अगर मैं फ्लैक्स ना करना पड़े ना तो मैं जो मेरा जो भी ये क्वांटिटीज का डिफरेंस आता है ना वो क्यों कैटर कर लेता है, सेल्स का वॉल्यूम है, सेल्स का प्राइस वेरिएंस उसको कैटर कर लेता है। तो पहले ये क्लासेस आपके कोर्सेज के अंदर नहीं था, डेट्स व्हाई हमें क्या करते थे, फ्लैक्स करना पड़ता। अब फ्लैक्स करने की जरूरत, सेट हो गया? बिल्कुल। अब तो है ना यार, कोर्स का पार्ट है यार असफर। अब सेल्स वेरिएंसेस क्या है? कोर्स का पार्ट है। पहले ये हमारे यहाँ से हटा के पता नहीं क्या इनको दिमाग में था कि इन्होंने फाइनल गेयर डाल दिया था, अगर कोई इतनी रॉकेट साइंस सेल्स वेरिएंसेस में नहीं थी। डन हुआ सर? अब वेरिएबल ओवरहेड। सर वेरिएबल ओवरहेड का कुछ कह रहा था ना, ये क्या कह रहा था सर? एक्चुअल घंटे कितने काम हुए? 2100। सर डेप्रिसिएशन ये फिक्स्ड है, फैक्ट्री बिल्डिंग भी, ऑल अदर ओवरहेड्स मतलब वेरिएबल एंड फिक्स के जो इसके अलावा थे वो सारे क्या हुए, 4% से बढ़ गए इन एक्सेस ऑफ बजट। अब सर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड था कितने रुपए का? सर 4.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 2,000 करो। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स सुनना, क्या कर रहे हो सुनो सर, 4.4 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना रेट था? 2200 का रेट था पर आवर का। अब क्या हुआ, 4% रेट बढ़ गया, कितना न्यू रेट हो गया? न्यू रेट कितना हो गया? बेटा वहां वेरिएंसेस नहीं होते ना असफर, कितना आया ये 2? बेटा अभी यहाँ फोकस कर ले, अभी तुम्हारा पूरा दिमाग यहाँ होना चाहिए, सही है? 2288। सर 2288 पर आवर है, एक्चुअल में कितने घंटे मंगाए? कितना आया? 4.8 समझ लो ना सर, तो यहाँ पर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड आ गया 4.80। चलना बता सर टोटल कितना हुआ? सर ये 19.7438 जो है तुम्हारे पास सर, इसमें तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है कितना? 1,000। कितना? मगर सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दिस विल ऑलवेज बी वैल्यूड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऑन द, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सी थी सर?
17 डिवाइडेड बाय 10,000 वाली। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 17 डिवाइडेड बाय 10,000 वाली। सर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? सर क्यों? अगर मैंने इसको एक्चुअल पे कर दिया ना, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे एक्सपेंस को माइनस करता है, क्या करता है, और ये बैलेंस शीट में चला जाता है। कहां चला जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, तो अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है और ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सर क्या ये बात लॉजिकल लगेगी कि आपका वेजेस है इस पीरियड का इनकॉर्पोरेट अगले पीरियड में हो रहा है? हाँ, एक बंदे ने बुरा काम किया इस साल, क्या किया इस साल? बहुत बुरा काम किया। आपने क्या किया? उस बुरे काम का जो वेरियंस था उसको निकाल दिया, उसको खमियासा नहीं भुगतना पड़ा, उसको खमियासा नहीं भुगतना पड़ा। अगले साल नया प्रोडक्शन मैनेजर आया था, वो तो खुशी से पागल था क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, मगर पता चला जो ओपनिंग स्टॉक डाला गया उसमें पिछले साल का सारा घटियापन मौजूद था। अब वो तो कहेगा इसका खमियासा मैं क्यों भुगतूं? तो सर आपके पीरियड के वेरियंसेस उसी पीरियड में क्लासिफाई हो, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे वैल्यू होंगे? कॉस्टिंग के अंदर। सर आप जो अपना FAR2 और अकाउंटिंग पढ़ते हो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज होती, क्या होती, और वो एक्चुअल कॉस्ट पे जाता है। किसमें जाता है? एक्चुअल में। खाली कॉस्टिंग के अंदर, वेरियंसेस के अंदर क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होते हैं? किस पे होते हैं? स्टैंडर्ड के ऊपर। डन हो गया सर? हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार। 17 डिवाइड बाय 10,000 कितना बताओ, कितना आया? 18 पॉइंट बताओ, कितना आ गया? 30 माइनस, सॉरी हुए अभी एक और भी तो था, कितना आया सीएम? 11.9। फिक्स कॉस्ट रह गई, क्या रह गई? सर फिक्स कॉस्ट सब मुझे पता क्या कहा था, फिक्स कॉस्ट कितनी थी लास्ट टाइम? 3.6। कितनी थी? 3.8 थी ना सर? 3.8 में इससे का 1.6 और 1.2। सर 3.8 में एक आपके पास है डेप्रिसिएशन कितनी 1.6 और एक है रेंट कितना, उल्टा लिख दिया 1.2 एंड 1.6। सर बाकी कितना बचा? 1। हाँ सर ये 4% से बढ़ जाएगा, 1.04 और ये 2.8, इन दोनों को प्लस करो तो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना आ गया? 2.8, 3.84 तो आपस ये आ गया 3.8। तो कितना आया प्रॉफिट एक्चुअल? 8. अब सर तुम्हें 8.1158 को कंपेयर करना है किससे? इसके वेरिएंसेस सारे निकाल के आओगे, सेल्स के, मटेरियल के, हर चीज के, और इंशाल्लाह इसको हम परसों देखेंगे। यार देखो परसों ये सवाल देख के आना, और एक सवाल मैं बता रहा हूँ लाजमी अमेरिकानों में करवाऊंगा सैटरडे को, लंबी क्लास चाहिए, एक ही सवाल ये हो जाएगा, फिर अमेरिकानों देखकर लाजमी तुम्हारा जितना दिमाग चले, क्या हो, जितना दिमाग चले वर्किंग्स खोल लेना, क्या कर लेना, भले चीजें तुमसे ना शायद संभव ना हो, तुम चीजों को शायद ऑर्गेनाइज ना कर पाओ, मगर जितना हो सके उतना क्या करना, सॉल्व करना। कौन सा? अमेरिकानो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल की वर्किंग शो करें कि लास्ट वाली सीएम तक वर्किंग शो करूं? सर दिन बहुत कम रह गए हैं तो बाकी के टॉपिक वन, बेटा एक ही टॉपिक तो रह गया है, प्रोसेस। क्या चल रहे बेटा? सीएम वाली वैल्यू ये रही ना, लर्निंग एंड लेबर कस्टमाइज बैच से देख लो यार। सर एबीसी नहीं करवाएंगे? अच्छा बेटा बाद में देखेंगे, पहले जो मेरे चीजें वो मैं देख लूं। ठीक है, सेट हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।